हेलो स्टूडेंट्स, तो गुजर स्टडी की ओर से एक और बार, आई थिंक ये एक और बार नहीं, तीसरी बार एग्जाम की डेट रिलीज की गई है। मैं तीसरी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले फर्स्ट टाइम जुलाई में डेट रिलीज की गई थी, उसके बाद सेकेंड जो अभी पोस्टपोन की गई है अगस्त मंथ में भी डेट रिलीज की गई थी, और अब इस बार थर्ड टाइम सेप्टेम्बर मंथ में एग्जाम की न्यू डेट रिलीज की गई है। तो पहले हम लोग एग्जाम की डेट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद और भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो मैं एग्जाम की डेट बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो पीजी कोर्सेज है उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की जो एग्जाम हो रही है उनकी जो एग्जाम की डेट रखी गई है वो रखी गई है 3rd सितंबर। उसके बाद जो यूजी कोर्सेज है उसके अंदर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है उनकी जो एग्जाम की डेट रखी गई है वो रखी गई है 12 सितंबर। और मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो ये एग्जाम की डेट है ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स वालों के लिए या ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों के लिए नहीं है, तो ये क्लियर कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है नोटिफिकेशन में, जैसे बताया कि अगर इस बार भी अगर ऑफलाइन एग्जाम जो स्टूडेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स चाहे कोई भी वजह से हो, जैसे कि उनका मेंटल इश्यू हो या फिजिकल या फिर कोई अदर सिचुएशन हो कि जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स ये ऑफलाइन एग्जाम भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे और उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं भरा है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए आगे कुछ और अरेंजमेंट किया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जहां से मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी, ये ऑफलाइन एग्जाम का जो भी शेड्यूल है, मतलब जो पेपर का पैटर्न है या जो एग्जाम के मार्क है या जो टाइमिंग है, वो एज इट इज पिछली बार जो बताया गया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो सेम टू सेम रखा गया इस बार भी। अब एक ही क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट्स के माइंड में, कहीं ये भी डेट पिछली दो बार की तरह कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। तो मेरे ओपिनियन में बता दूं, शायद इस बार एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बट होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे ऐसा ही है। तो इस बार आप प्रिपरेशन गारंटेड कर सकते हो यही सोचकर कि भाई इस बार तो आपकी एग्जाम हो ही जाएगी। तो ये सारा था ऑफलाइन एग्जाम के लिए। अब मैं कुछ बोल देता हूँ ऑनलाइन एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्होंने ऑनलाइन अभी फॉर्म फिलअप कर दिया, जो डेट आगे इंक्रीज इसलिए की गई थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन सिलेक्ट कर ले। तो जैसे ऑनलाइन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये डेट ऑनलाइन एग्जाम वालों के लिए नहीं है, आगे ऑफलाइन एग्जाम के बाद ऑनलाइन एग्जाम ली जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑनलाइन एग्जाम के जो मार्क रहने वाले हैं वो ऑफलाइन एग्जाम की तरह ही 50 मार्क रहने वाले हैं। पेपर पैटर्न तो आपको पता है कि टोटली एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है। अब इसके अंदर डिटेल में और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जो मार्क है 50 मार्क, मतलब एक एमसीक्यू कितने मार्क होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी यूनिवर्सिटी की ओर से आया नहीं है। जो आई थिंक आगे इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है तो उसके लिए मैं वेट करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एग्जाम को लेकर, जो लेटेस्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यूनिवर्सिटी की ओर से, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके स्टडी रिलेटेड सारे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।